So welcome marvelous people, welcome back to the vlog 3. और आज का ब्लॉग का टाइटल समझ तो गए ही होगे टाइटल से पढ़ के कि आज के ब्लॉग का जो थीम है वो ये है कि जिन लोगों को भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है उनको अपना वायरलेस माइक किस तरीके से बनाना चाहिए। सारी चीज़ मेरी ओरिजिनल है तो उसी सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। और जैसे ब्लॉगिंग होती है नॉर्मल अपनी लाइफ दिखाना, वो सब तो करेंगे ही करेंगे। तो वायरलेस माइक्रोफोन बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको एक ट्राइपॉड लेना पड़ेगा, उसके साथ आपको एक ईयरफोन लेना पड़ेगा। उसमें एक कंडीशन ये है कि ईयरफोन ख़राब होने चाहिए सुनने के लिए। तो उसकी ईयरफोन के माइक्रोफोन के आगे वाला जितना पार्ट है सबसे पहले उसे तो काट दो। जब आप उसे काट दोगे तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर उसको इस तरीके से बेंड करो कि उसका जो पिन है और उसका जो माइक्रोफोन है वो एक अलाइन फॉर्म में आ जाए और उनको एक आलपिन से बांध दो। देख पा रहे होगे कि इन दोनों को आलपिन से बांध दिया है ताकि ये एक ही साथ रहें, ठीक है। और इसको इसमें फंसा दो इस तरीके से। अब इस तरीके से आपका ट्राइपॉड एक माइक्रोफोन के साथ रेडी हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, अपना फ़ोन बस ट्राइपॉड में फिट कर लो और अपने जो इसको जैक है इसको अपने फ़ोन के जैक में कनेक्ट कर लो और जितना भी आप बोलोगे वो सारा का सारा इस माइक्रोफोन के साथ में जाएगा जो फ़ोन के अंदर जाएगा और क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो जनरली जो ईयरफोन को काटने वाली ट्रिक है वो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये वाली ट्रिक होती है, जिस तरीके से आप एक ब्लॉगिंग का सेटअप बना सकते हो, माइक्रोफोन बना सकते हो, ये अभी तक कहीं अवेलेबल नहीं है, टोटली ओरिजिनल आइडिया है। तो इस वजह से एक लाइक बनता है इस वीडियो पे। तो चलो ये सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो गई, हम नॉर्मल ब्लॉग की तरफ चलते हैं, अपनी नॉर्मल डेली लाइफस्टाइल की तरफ चलते हैं। तो क्योंकि अभी बज रहा है 12, तो 12 से 2 मैं फ्री हूँ, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ एक मूवी निपटाया जाए। अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि आजकल मैं एक्समैन की फिल्में ज़्यादा देख रहा हूँ तो इस वजह से एक्समैन डेज इन फ्यूचर पास्ट लगाना हूँ। सबसे सही पता है क्या होता है, जब आप पूरी तरीके से कमरे में अंधेरा कर दो और सिर्फ एक मूवी आप लगा लो, बेस्ट थिएटर वाला लुक आता है। मूवी जस्ट खत्म हुई और बहुत एपिक लेवल की मूवी थी एक्चुअली, क्योंकि इसने पूरे एक्समैन के यूनिवर्स को एक तरीके से रिबूट ही कर दिया। टाइम हो रहा है कुछ 4 बजे और अभी सोच रहा हूँ कि एक्सरसाइज का टाइम हो गया तो एक्सरसाइज कर ली जाए, उसके अलावा एक शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट या फिर इंस्टाग्राम रील भी रिकॉर्ड करने का टाइम है। पूरे शॉर्ट या कोई भी तरीके की वीडियो बनाने के लिए मैं ये वाला माइक का इस्तेमाल नहीं करता, मेरे पास बोया का दूसरा माइक है जिसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो वो जितनी भी नॉर्मल वीडियोस होती हैं उसमें काम आ जाता है। तो चलो एक बार दिखाता हूँ, ये है। तो हाँ यही माइक मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी। इसकी लेंथ अगर आप पूरा स्ट्रेच करने जाओगे तो कम से कम 2 कमरे तक स्ट्रेच हो सकती है, इतनी लेंथ है। लेकिन इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है उतनी ज़्यादा नुकसान भी होती है, क्योंकि अगर आपको पास से रिकॉर्ड करना है तो काफ़ी ज़्यादा उलझ जाती है, बहुत टाइम लग जाता है इस पूरे वायर को सही करने में। वैसे मेरा जो चैनल है मार्वेलस लाइफ, उस चैनल के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो वो यही है कि उस चैनल का मेन फोकस ये है कि जितने भी लाइफ में रिलेटेड लोगों की प्रॉब्लम चलती है उनका प्रॉपर एक सोल्यूशन निकलता है। इस चैनल का मेन फोकस यही है कि लाइफ से रिलेटेड वीडियो आ जाएँ, सेकेंडली ब्लॉग्स आ जाएँ उस, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाता है और मोनोटोनस भी रहता है। तीसरा ये है कि थोड़े थोड़े शॉर्ट्स भी अपलोड होते रहें क्योंकि शॉर्ट्स फ्यूचर है। और मैं सोचा है कि हर सैटरडे कोई ना कोई लेटेस्ट फिल्म का रिव्यू आ जाया करेगा और सिर्फ एक प्रॉपर एक नॉर्मल रिव्यू नहीं, एक थोड़ा अलग टाइप का रिव्यू जिसमें हम बात करेंगे कि फिल्म कैसी थी, कैसी हो सकती थी और इस फ्यूचर क्या है ऐसी फिल्मों का। अब सबसे पहले थर्सडे की शॉर्ट के लिए मैं शूट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। बाय। हेलो, आज की रील भी कंप्लीट हो गई, वीडियो कंप्लीट हो गई है, माइक को पैक करने का टाइम आ गया है। दोस्तों देखो ये हाल हो जाता है माइक का, तो इसको सॉल्व करते करते बहुत टाइम लग जाता है, पर माइक काम का आता है, काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी हो जाती है और क्वालिटी बेटर हो जाती है। ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि हर फ्राइडे एक व्लॉग आया करेगा, लेकिन अभी अभी सोचता हूँ कि व्लॉग तो मैं डाल दूँगा, लेकिन जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा, जब तक चीज़ें सही नहीं होंगी, तब तक
इतना कुछ दिखाने लायक हो गई नहीं घर पे, मैं और क्या दिखा सकता हूँ। पर क्योंकि हमारे ब्लॉग का टाइटल था कि किस तरीके से वायरलेस माइक को बनाया जाए, वो आपने देख ही लिया है और आपने देख लिया कि किस तरीके से मैं अपने आजकल वीडियो शूट कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, किस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली ये ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ ब्लॉगिंग के लिए, नहीं तो जनरली ऐसे ही शूट हो जाता है। तो एक छोटी सी बात यही है कि हर फ्राइडे अब ब्लॉग आया करेगा, हर मंडे हर वेडनेसडे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आया करेगी, और ट्यूसडे और थर्सडे को एक शॉर्ट वीडियो आएगी, और सैटरडे को ऑफकोर्स रिव्यू वीडियो, जिस तरीके से भी बताया। तो सब चीज़ें टाइम टेबल के हिसाब से शेड्यूल्ड है और हर चीज़ अपने हिसाब से चल भी रही है। तो चलिए अब एक्सरसाइज का टाइम हो गया है, इसीलिए हम मिलते हैं आपसे अगले फ्राइडे ब्लॉग में। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, माइक आपने कोई चीज़ नहीं सीख ली हो, माइक कैसे बनाते हैं कुछ भी सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो ताकि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, और जल्दी जल्दी सब कुछ हो यार, ग्रोथ जल्दी बढ़े, ठीक है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में अगले फ्राइडे, तब तक के लिए बाय बाय।